आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बम विस्फोट में घायल सेना के जवान की जिंदगी और मौत से लड़ते लड़ते आखिर 5 माह बाद मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर घर पर कोहराम मच गया। जवान का शव बुधवार की सुबह मऊ पहुंचेगा और उक्त धाम पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक मधुबन क्षेत्र के परसिया केशवपुर निवासी इंद्रदेव यादव के बड़े पुत्र राजीव यादव सन 2012 में सेना में भर्ती हुए थे। इनकी पत्नी प्रतिमा यादव मध्य प्रदेश के रीवा में स्वास्थ्य विभाग में तैनात है। इनका 2.5 वर्ष का एक लड़का है जो माँ के साथ रहता है। राजीव की 5 माह पूर्व कोलकाता से जम्मू के सतवारी में 72 फील्ड रेजिमेंट के आर्टिलरी में तैनाती हुई थी। बीते 12 जुलाई को ड्यूटी के दौरान बम विस्फोट में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उधमपुर में इनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही 18 जुलाई की भोर में उनकी मौत हो गई। सेना द्वारा राजकीय सम्मान के साथ जवान के शव को घर लाया जा रहा है। बुधवार की सुबह तक शव के घर पहुंचने की संभावना है। जवान की मौत से इकलौती बहन के साथ ही उसके पिता इंद्रदेव यादव, माता राधिका देवी और पत्नी प्रतिमा यादव बेसुध हो गई थी। वही सेना में ही पठानकोट में तैनात उसके छोटे भाई राहुल यादव भी घटना से आहत हैं। इससे पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया है। दरवाजे पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी है और लोग पथराई आंखों से जवान के शव के आने का इंतजार कर रहे हैं। बुधवार को राजकीय सम्मान के साथ जवान के शव का दोरीघाट स्थित मुक्ति धाम पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। न्यूज 9 भारत के लिए अमित तिवारी की खास रिपोर्ट। ये सेना में काफी लंबे समय से कार्यरत थे, तो अच्छे देश के लिए अच्छे भक्त थे और देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, और काम करते करते इनका अचानक डेथ हो गया। ये तो डिटेल में हमें भी पता नहीं है, पर वो काम करते थे देश के लिए, अच्छे थे और काम करते करते डेथ हो गया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ, छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।